साधु महात्माओं के आंगन में पक्षी खूब चरते रहते, लेकिन गृहस्थों के घर में नजदीक नहीं आते, दिखेंगे तो एकदम उड़ जाते हैं, पता है उनको। इसलिए जो घोड़े हैं राम जी के, बहुत प्यार है उनका। अरे खाना पीना बंद हो गया घोड़ों, ऐसे खड़े रहते हैं। नहीं तृण चरहि न पियहि जल, मोचहि लोचन बा। बस प्रेम में आंसू ही आंसू है, बस और कुछ नहीं। ये सफेद सफेद घोड़े राम जी जब इनकी पीठ पर थाप मारते थे, आहा, इन घोड़ों की भी समाधि लग जाती। इसलिए घोड़े अब सोचते कौन मारेगा हमारी पीठ पर थाप, इसलिए रोते हैं। नहीं तृण चरहि, भील लोग घास लाते हैं घोड़ों के आगे देते हैं, लेकिन वो चरते ही नहीं, खाते ही नहीं। न पियहि जल, पानी तक नहीं पीते घोड़े, बताइए आप। जब घोड़ों का इतना प्रेम है राम से, तो मनुष्यों की क्या गति रही होगी, सोचिए। जिस राम से घोड़े भी प्रेम करते हैं, उस राम से आज इंसान भी प्रेम नहीं कर रहा है। इसका मतलब हमारी स्थिति घोड़ों से भी परे हो गई। जैसे तैसे इन घोड़ों को भील लोगों ने सुमंत्र को रथ पर रखा और उनको अवध के किनारे छोड़ दी, तो सुमंत्र जी अवध में जाने का उनका साहस नहीं हो रहा है। बहुत ध्यान से सुनिए मेरे भाई बहनों, प्रेम की कथा है ये, जहां प्रेम होता है बस थोड़ा रोना है, बस ये राम कथा रोने की कथा है, सच पूछो अगर। और मैंने सुना है लोग बोलते हैं कि रोने से दिल हल्का हो जाता है, रोना दिल के लिए बहुत अच्छा। रोने वालों को कभी हार्ट की तकलीफ नहीं होती है, गारंटी है जाओ। लेकिन रोना भी दो प्रकार का है, एक दुख का रोना है, एक प्रेम का रोना है। मैं प्रेम के रोने की बात कर रहा हूं। जब आप दुखी होकर के रोते हैं तब तुम्हारे आंसू गर्म होते हैं, लेकिन जब भाव प्रेम से आंसू निकलते हैं तो कभी हाथ लगा के देखना उन आंसुओं को, बहुत शीतल होते हैं, बहुत ठंडे होते हैं। इसलिए सुमंत ने कहा कि मैं कैसे मुख दिखा सकता हूं, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन फिर एक बार सुमंत ने सोचा कि जब मैं तो कुछ भी नहीं लगता राम का, मैं भला एक नौकर आदमी, राजभवन में नौकरी करता हूं, जब मेरी यह दशा है राम के बिना, तो जो राम के पिता हैं, जिनका राम प्राण है, उनकी क्या गति होगी। नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे जाना चाहिए। इसलिए इस भाव से सुमंत्र जी आधी रात को गए हैं, अंधेरे में गए हैं मेरे भाई बहनों। सुमंत्र ने दुनिया को यह दिखाया है कि जिस व्यक्ति ने राम को छोड़ दिया है उसको समाज को मुख दिखाने का कोई अधिकार नहीं। सुन रहे हो, यह संस्कृति है हमारी, यह परंपरा है हमारी। अगर हमने राम को छोड़ दिया है तो हम समाज में मुख दिखाने लायक नहीं है। इसलिए लिखा है, अवध प्रवेश कीन अंधियार, कीन अंधियार, पैठ भवन, पैठ भवन,
रथ राखी दुआरे। प्रेम की कथा है मेरे भाई बहनों। ये जैसे तैसे उस रथ को छोड़ा, जब भीतर गया सुमंत, दशरथ जी को उम्मीद है कि मेरा एक बहुत चतुर मंत्री गया है राम को छोड़ने के लिए, और मुझे उस पर पूरा भरोसा है। जब वो वापस आएगा, उसके पास बड़ी युक्तियां हैं। उसने आज तक जब जब मैं फंस गया, कोई समस्याएं आई, तब तब उसने अपनी युक्तियों से मेरे को समाधान दिया है, इसलिए मैंने उसका नाम सुमंत्र बोला है। उसने जीवन में अच्छी अच्छी मंत्रणाओं के द्वारा मेरा समाधान किया है, इसलिए मुझे आज आशा है कि वो जरूर जैसे तैसे ऐसी युक्तियों का प्रयोग करेगा कि वो मेरे राम को वापस ले आए। अरे युक्ति का प्रयोग करना है तुझे तो राम को वापस लाने में कर्ण। लेकिन सुमंत्र जब खाली आया है, जैसे दशरथ जी को पता लगा कि सुमंत्र आया, एक बार तो ऐसे उछले कि सीधे वहीं पहुंचे सुमंत्र के पास, और जैसे उन्होंने जफ्फी मारी सुमंत्र पर और कहा कि क्या बात है, मेरी परीक्षा लेते हो, मेरे राम को तुमने बाहर खड़ा कर दिया, उसे भीतर क्यों नहीं लाए हो? ऐसा नहीं हो सकता कि तुम अकेले आए होगे, तुमने निश्चित रूप से मेरा राम वापस लाया है। इतनी परीक्षा मत लो मेरी मंत्री, मत लो, मैं मर जाऊंगा, मैं राम के बिना नहीं रह पाऊंगा। सुनते हो, प्रेम है मेरे भाई बहनों ये दशरथ जी का। सुनत सचिव लोचन जल छाए, 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 सुनत सचिव लोचन जल छाए। तो जब दशरथ जी ने बोला ना ये सब बातें बोली, तो सुमंत्र की आंखें भर गई और अश्रु निकलने लगे। निकलने थे कि अब मैं क्या जवाब दूंगा दशरथ जी, निकल गए। तो जैसे ही खट से उसके आंसू टपके ना सुमंत्र के, तो तब देर नहीं लगी दशरथ जी को ये समझने में कि राम नहीं आया। उसके आंसू गिरे और दशरथ स्वयं गिरे धरती पर, और ऐसे गिरे कि उसके बाद खड़े नहीं उठे। ए भाई बहनों, आज तो प्रेम की कथा सुनानी पड़ती है नहीं, जबकि प्रेम की कथा सुनाने का सवाल नहीं होना चाहिए था। प्रेम तो प्रत्यक्ष होता है, प्रेम कोई सिद्धांतों से थोड़ी समझाया जाता है। तो तुलसी जी ने लिखा कि सूत शब्द लिखा है उसके लिए, उस मंत्री के लिए। सूत वचन सुनत ही नर नाहू, पर्यो धरनि उर दारुण दाहू। मतलब ऐसा लगा कि नहीं, अब इसका जो मंत्री पना है वो भी खत्म हो गया, अब नहीं रहा ये मंत्री, अब ये केवल रथ चलाने वाला रह गया, ड्राइवर सारथी, अब ये मंत्री नहीं रहा। क्योंकि अगर इसमें वो मंत्री वाला गुण होता तो ये जैसे तैसे मेरे राम को वापस ले आता। तब रोया है दशरथ जी, बहुत रोए। तो वो सब आप जानते हैं कि प्रेम में आदमी जब रोता है तो दशरथ जी के रोने में वो सब
विलाप है कि और तो कोई बात नहीं थी, लेकिन जिस राम को मैंने शाम को कहा कि बेटे तुम कल राजा बन रहे हो, और उसी राम को मैंने सुबह रात खुलने से पहले ये कह दिया कि तुम बन चले जाओ, और फिर भी मेरे प्राण नहीं निकले, मेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े नहीं हुए, इसलिए निश्चित रूप से संसार में मेरे जैसा पापी कोई नहीं। को पापी